नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जहां एक तरफ कल बेरमो में बीजेपी के कार पास को लेकर के बवाल हुआ था, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज एक बार फिर से दो दिन हो चुके हैं अनूप सिंह के आवास में लगातार आयकर की छापेमारी चल रही है। तो उन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होकर के कई सारी बातें कही हैं। हम आपको सुनाएंगे कि आखिर उस कार पास को लेकर के और साथ ही साथ आखिर आयकर विभाग के जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे, इसका खुलासा जो है अनूप सिंह ने किया है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी, ऐसी सूचना है कि कोई बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके यहाँ आईटी की टीम रुकी थी, उनके होटल में रुकी थी। देखिए, मेरे यहाँ जब बेरमो आवास पर रेड मारा गया तो बीजेपी का लगा हुआ स्टिकर का गाड़ी से आईटी के अधिकारी गए। जो स्टिकर कबाड़ रहा था वो बीजेपी का कार्यकर्ता के नाते, वो उसने बीजेपी का पट्टा पहना हुआ था, जिसको वीडियो भी वायरल हुआ। और जो जानकारी मिली है कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी मेरे यहाँ रुके हुए थे, जो मेरे यहाँ रेड कंडक्ट करने आए थे, वो माही रेसिडेंसी में, किनका है माही, जो नवीन जायसवाल जी का माही रेसिडेंसी होटल है सुजाता चौक पर, वहाँ पे वो उन लोग जाके रात में रुके हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकम टैक्स का जो पैसा है वो दुरुपयोग करने के लिए है। आप कहीं रेड कंडक्ट करते हैं, आपको कहीं मिलता नहीं है। दूसरा, आपने रेड कंडक्ट किया, आपको अपने अधिकारी को रुकवाना है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से सर्किट हाउस भी डिमांड कर सकते हैं। मेरे घर के बगल में इतने सारे होटल हैं लाइन से, राज रेसिडेंसी है, स्पर्श है, महाराजा है, जो माई रेसिडेंसी से कम रेट में, लेकिन सुजाता चौक में माई रेसिडेंसी में जाके अधिकारी क्यों रुके। ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि भैया बीजेपी इन्वॉल्व है, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अभी फाइनल हो गया। तो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा आईटी के लोग यहीं रह रहे हैं आपके यहाँ ही, तो उनके खाने पीने का आप इंतजाम करा रहे हैं? देखिए, मैंने तो उनको ऑफर किया कि मेरे यहाँ खाना खा लीजिए, मेरे बैरक में गार्ड लोग का खाना बनता है और मेरे यहाँ पे भी पर्याप्त खाना बनता है, मैं आपको खिला सकता हूँ। लेकिन वो बोले कि नहीं, हमारा खाना बाहर से आएगा। खाना इनका बाहर से आ रहा है, कभी हॉलीडे होम से खाना आता है, कभी कावेरी से खाना आता है, कभी कृष्णा से खाना आता है। नाश्ता आया जो है आया उनका कावेरी से आया था, रात का खाना उनका हॉलीडे होम से आया था जो 5-स्टार होटल है काके रोड में, और दोपहर का खाना उनका कृष्णा से आया था। तो मज़ा ले रहे हैं सरकारी पैसों का, खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोने जा रहे हैं माही रेसिडेंसी, खाना खा रहे हैं कावेरी का। हाँ, सोने जा रहे हैं माही रेसिडेंसी, खाना खा रहे हैं कावेरी का, यही तो है। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना कि उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि माही रेसिडेंसी जो कि नवीन जायसवाल का है, उनके होटल में जाकर के रह रहे हैं। आखिर क्यों वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं रह रहे, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। आयकर विभाग जिस तरीके से रह रही है, जहाँ रह रही है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने बताया। साथ ही साथ आखिर यहाँ पर जिस तरीके से उनके आवास में वो रह रहे हैं, सुबह से ही वो मौजूद हैं, तो आखिर क्या कुछ खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने बताया। कहाँ से आखिर सारा चीज़ जो खाने वो कहा सारे, इन सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर रखा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। ब्रांची से मैं पूजा, नमस्कार।